दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ से आ रही है, जहां बिहार शरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत लहेरी मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट से एक रुई गोदाम में भीषण आग लग गई है। इस अगलगी में तकरीबन लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। रुई गोदाम के मालिक सुबोध कुमार के द्वारा बताया जा रहा है कि लहेरी मोहल्ले में उनका गोदाम है और आज सुबह करीब 10:30 बजे गोदाम से धुआं उठता देखकर स्थानीय लोगों ने उन्हें सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही वह फौरन गोदाम पर पहुंचे। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड को सूचना मिलते ही वहां मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया है। आप देख सकते हैं कि यह कितनी भीषण आग लगी थी। रुई गोदाम में जो आग लगा है काफी भयानक आग लगा था। बड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर काबू पाया गया और इस अगलगी में लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है, लाखों रुपयों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर सदर SDO जनार्दन प्रसाद अग्रवाल, सदर DSP इमरान परवेज, लहेरी थाना अध्यक्ष, कई अन्य लोग मौके पर पहुंचकर घटना की विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, जो भी ताजा अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।